अब मैं कंपटीशन की तैयारी करती हूँ। क्या बनेंगे आप? मुझे IAS बनना है, लेकिन अभी मैं सैनिक स्कूल की तैयारी कर रही हूँ। आपसे टेबल सुनेंगे, पता है कि इनको टेबल कहाँ तक आता है? 1000 तक। क्या कह रही हो? 1000। सही में? यस। 998। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। गोपालगंज के कोयसा गांव में है और आज दो बच्चों का इंटरव्यू लेने के लिए फोन का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि ये बच्चे इतने टैलेंटेड हैं कि इनसे सवाल करने के लिए मेरे पास खुद भी सवाल नहीं है, तो मेरे पास फ़ोन है, इससे मैं सवाल खोजूंगी, उसके बाद इनसे जवाब मांगूंगी। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे आप सवाल पूछने के लिए आपकी शिक्षा एजुकेशन थोड़ा सा कम पड़ने लगता है, वैसा ये बच्चे लग रहे हैं। ये आरोही हैं और ये इनके छोटे भाई हैं, इनका नाम मुझे नहीं पता, ईमानदारी से बता रही हूँ, इसलिए अभी पूछती हूँ। बाबू आपका नाम क्या है? मेरा नाम अयान शेखर है। अयान? यस। शेखर? यस। कितने साल के आप? 9। आप कितने साल के? 11। 11। तो दीदी ज्यादा इंटेलिजेंट है कि बाबू ज्यादा इंटेलिजेंट है? दीदी। पक्का? यस। मुझको तो गांव वाले कह रहे थे आप ज्यादा इंटेलिजेंट है। मैं भी हूँ और दीदी भी है। कह रहे मैं भी हूँ और दीदी भी है, दोनों में से अगर तुलना किया जाए तो कौन ज्यादा है? दीदी। पक्का? यस। सीधी सवाल करें तब? यस। आप अपने क्लास में हमेशा टॉप आती होंगी ना? यस। कितने साल से लगातार टॉप कर रही हैं आप? क्लास 1 से। तो ऐसा तो नहीं है कि पिताजी की कोई सेटिंग रही हो कि मेरी बेटी जो है उसको हमेशा फर्स्ट लाया जाए? ऐसा नहीं है। नहीं, मैं हर बार स्कूल, मतलब कि 2-3 साल एक स्कूल में पढ़ती हूँ, उसके बाद से स्कूल बदलते हैं, तो वो कैसे हो सकता है? स्कूल बदल देती है, ऐसा क्यों? नहीं, पढ़ते हैं मगर ना जब 3-4 साल के बाद। अच्छा, चारों ही आपसे क्या क्या पूछा जाए, क्या क्या चीज़ें आपको पता है? मुझे किसी प्रकार का जीके पूछ सकती हैं आप, और मिड ब्रेन एक्टिवेशन है मेरा। वो क्या होता है? उसमें हम आँख बंद कर, आँख पे पट्टी लगा करके और बुक पढ़ेंगे या फिर कोई भी चीज़, साइकिल चलाएंगे और भी कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। आँख बंद करके? हाँ, आँख बंद करके आप बुक पढ़ देंगे? यस। और साइकिल चला देंगे? हाँ। अच्छा, और ये भी कर लेगा? हाँ, ये भी कर लेगा। साइकिल चला लेगा ना आँख बंद करके? चला लोगे बाबू? यस। पक्का? यस। गिरोगे तो नहीं? नहीं। गिरोगे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी? yes. पापा बोल देना मुझे नहीं डांटेंगे। यस। ठीक है। हाँ, अब और मुझे अबेकस आता है जिसमें हम लोग कैलकुलेटर से भी फास्ट कैलकुलेटिंग कर सकते हैं। आप कैलकुलेटर पे कोई भी नंबर जो ऐड करिएगा और मैं उसका आंसर दूंगी माइंड से, और उसमें आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन और ये सारी चीज़ें आप मुझसे पूछ सकते हैं। इनसे भी? हाँ। पक्का? हाँ। फोन है मेरे पास? यस। तैयार हूँ? यस। ठीक है, बताइए ये कितने अक्षरों का पूछेंगे? 1 का 2 का 3 का? मतलब 2, 4, 6 पूछेंगे कि मतलब 16, 18 ऐसे दो दो अक्षरों का पूछ सकते हैं? कितने नंबर्स का पूछ सकते हैं? 1 डिजिट का भी पूछ सकते हैं, 1+2+3+ ऐसे भी, और 2 डिजिट का भी, 28+38+ ऐसे भी, और 3 डिजिट का भी, 239, 449 ऐसे भी। यस। देखिए मैंने कैलकुलेटर ऑन कर दिया है, आरोही बात तो बड़ा बड़ा कर रही हैं, अब देखना है कि जवाब दे पाती हैं या नहीं। ठीक है, मैं आपको कैलकुलेटर नहीं दिखाऊंगी। Yes, चलेगा। ठीक है। 56, 96, 34, 54 बताइए कितना? 240। आप बताइए। 240। गलत है? सही है। गलत है? सही है। ठीक है। 7+6+4+5+2+6+7+5+9+4+6+8+2+3+7+9+6+4+2+6+7+115 115 भाई गजब।
ये आप देखिए, ये इतना है कि तीन लाइन में ये एक एक अक्षर गए हैं और इसको भी इन्होंने बड़ी आसानी से जोड़ा है। मैं एक बार और करूंगी, ठीक है। 6+8+5+6+4+3+5+8+9+4+5+6+3+7+8+9+5+6+4+3+139। गजब। फिर से करती हूँ मैं। ये बड़ा मजेदार गेम है, मुझे नहीं पता इन बच्चों को कैसा लग रहा है, लेकिन मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा लग रहा है। पक्का? यस। yes. और खेले? यस। yes. ये खेली है, मैं और लंबा करूंगी अब। हो डिलीट 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 सब डिलीट डिलीट करो, गलत हो गया है। 7+9+4+5+3+4+7+9+6+4+5+8+3+4+9+7+6+100। गजब। फिर करते हो ना? Yes. अब अभी जब तक बच्चे खुद ना बोल दें कि बस करिए दिमाग खराब हो गया है, तब तक करते रहना है। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना? ओके एक बार और करते हैं। 8+9+3+5+6+7+9+4+6+3+7+8+9+4+3+7+9+5+6+4+7+5+134। अच्छा, अब बीच बीच में एक आंक माइनस करूंगे, ठीक है ना? ऐसे 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 डिलीट कर दो सारा। इतना ज्यादा इसमें नंबर्स है ना कि इनको ऐसे 3-4 बार लग रहा है टाइम डिलीट करने में। और करती ना? यस। इनसे सवाल पूछने में मेरी हालत खराब हो रही है। मैथ में मैं थोड़ा और कमजोर हूँ, इसलिए और थोड़ा दिक्कत हो रहा है। करती हूँ, रेडी ना? यस। तुम भी रेडी हो ना? अब मैं पहले तुमसे पूछूंगी, फिर दीदी से पूछूंगी। दीदी जो बोल रही वही तुम बोल दे रहे हो, ठीक है? रेडी रहना। बच्चों को डरा भी दे रही हूँ मैं। 12+16+15+17+18+13+14+18+13-14+17+18+13-14+15+16+17+17। ये सही है। गजब, ताली बजाओ अपने लिए। वहाँ बच्चे भी हैं, वो भी ताली बजा रहे हैं। तुम लोग का मैथ में ज्यादा नंबर आता होगा ना? यस। yes. कितना आता है? 100 में से 100। यस। कभी गलत ही नहीं होता होगा कैलकुलेशन। अभी और पूछती हूँ ना? नहीं, बच्चे अपने मन में सोच रहे होंगे कि पता नहीं कौन आके बगल में बैठ गया, अपने तो कैलकुलेटर ली हुई है और मैं सवाल में सवाल किए जा रही हूँ। मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। पक्का? यस। yes, yes. पक्का? यस। yes. अब की तो तुम ही से पूछूंगी, ठीक है? रेडी ना? यस। yes. इन बच्चों की मैथ इतनी अच्छी है, अगर इनके समय में मेरा मैथ इतना अच्छा होता तो आज मैं पता नहीं कहाँ होती। 96 × 32। बोलो जो दीदी बोली वही बोल दो। 3072। क्योंकि ना इन्होंने पहले ही बोला था कि दीदी ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसलिए जब भी दीदी जो बोल रही है उसी को ये पट्टे से सही बोल दे रहे। दीदी गलत भी तो हो सकती है। यस। तो क्यों दीदी कई बार बार बोल दे रहे हो? बार बार नहीं बोल रहे हैं। अच्छा चलिए, अब आपसे टेबल सुनेंगे। पता है कि इनको टेबल कहाँ तक आता है? 1000 तक। क्या कह रही हो? 1000। सही में? यस। आपको कहाँ तक आता है? 100 तक। पक्का? यस। चलिए आप इस पूछ लें। यस। रुकिए भाई, मुझको तो फोन से निकालना पड़ेगा क्योंकि आपकी तरह मैं ना ही बुद्धिमान हूँ। कर लीजिए। हाँ, कैलकुलेटर से? हाँ। नहीं कर पाऊंगी बेटा। जैसे हम
उंगली घुमाते हैं और हम जैसी लड़कियां खाना बना लेते हैं, हाथ घुमा के रोटी बना लेते हैं, ये बच्चे जब ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं तो अक्षर से खेल रहे हैं, ये बहुत बेहतर है। मैं आपसे पूछती हूँ ना, यस 9,980 में ना आप 8,983 बताई हैं, जबकि 8,982 है, बाकी सारा सही बताई हैं। ओके भाई, ये 998 का टेबल ये सुना रही थी, गजब। मतलब अगर ऐसे बच्चे किसी स्कूल में पढ़ने लगें तो उस स्कूल का कितना नाम होता होगा, मैं यही सोच रही हूँ। अगर किसी कंपटीशन वगैरह में बैठ जाएं तो तारीफ़ पे तारीफ़, तारीफ़ पे तारीफ होता होगा, है ना। पिताजी को तो हमेशा बुलाया जाता होगा, आरोही के पिताजी हमेशा स्कूल में ही रहते होंगे तारीफ सुनने के लिए। अब मैं कंपटीशन की तैयारी करती हूँ। क्या बनेंगे आप? मुझे IAS बनना है, लेकिन अभी मैं सैनिक स्कूल की तैयारी कर रही हूँ। और आपको क्या बनना है भाई? साइंटिस्ट है। yes. बनाए हो अभी तक? यस। क्या? हाँ, ये रोज कुछ ना तो कुछ बनाते रहता है। क्या बनाया बेटा, कुछ तो बताओ, ऐसा क्या बनाया, क्या आविष्कार किया? कभी कभी यूट्यूब से देख के बनाते हैं। क्या बनाए हो, दिखाओगे ना? कुछ कुछ बनाए हो अभी तक? यस। क्या? गन बनाया है। गन? यस। पिताजी को देखने में डर रहे हैं, अभी हम देखेंगे आपका गन, ठीक है? पहले दीदी से एक और टेबल सुनते हैं, 86 का। 86 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
ये छोटा सा टेबल सुनते वक्त फोन की तरफ आंख गड़ाई हुई थी, जब आप वो सही सुनाई तो ये तो सही सुनाएंगे। दीदी को कुछ भी नहीं पता है ना, तो मैं एकदम नई हूँ, तुमको बहुत सारी चीजें पता है। और ये भारत के लिए बहुत बेहतर है कि आजकल के जो युवा बच्चे जो निकल रहे हैं छोटे छोटे, वो भारत को एक नई ऊंचाई की तरफ ले जा रहे हैं।